हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। क्लास टेंथ थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिरी तक देखना, आई होप ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आप पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले जो नाइन्थ क्लास, आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं मैं आपको, क्योंकि नाइन्थ क्लास में हमने एक चैप्टर पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बस वही चैप्टर है जो कि यहाँ पे अप्लाई करते हैं, बस थोड़ा सा चेंज है। क्या यहाँ पर दो इक्वेशन दे दिए? क्या बोल दिया? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी यहाँ पर जो इक्वेशन हैं वो दो हैं। पहले हमने क्या पढ़ी? एक इक्वेशन पढ़ी थी, और जिसमें हमने पढ़ा भी था क्या कि ए वन एक्स प्लस वी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। और हमें याद है कि x का जो कॉफिशियंट होता है वो ए वन होता है, यानी a हमने जो पढ़ा था उस हिसाब से हमने ए वन ए टू नहीं पढ़े, क्योंकि हमें वहां पर एक ही इक्वेशन थी। तो हमने क्या पढ़ा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, और हमने इनकी वैल्यू भी निकाली थी। बट इस टेंथ क्लास में हमारे पास एक और इक्वेशन को इंक्रीज कर दिया है, वो क्या है? दो इक्वेशन कर दिए। तो हमने कहा भाई चलो दो इक्वेशन है, तो ये लो, क्या है? ए टू एक्स प्लस में बी टू वाई प्लस में सी टू इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास दो इक्वेशन है। और जब आपके पास दो इक्वेशन होती हैं, तब हमें एक ग्राफ पे ड्रॉ करना होता है। याद होगा आपको नाइन्थ क्लास में आपने एक ग्राफ पे ड्रॉ किया, तो एक ही इक्वेशन थी इसलिए हमारा ग्राफ भी एक बना। ये मान लो रैंडमली मैंने बना दिया एक ग्राफ, है ना, तो ये जो ग्राफ आपका बना है ये इस तरीके से बना था, ठीक है। बट अगर हम बात कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, आपको दो इक्वेशन का ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो एक तो ये बना दिया, मान लो एक और बना देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक ही ग्राफ के ऊपर आपको क्या करना है? दो इक्वेशन को ड्रॉ करना है, ठीक है। यही इस चैप्टर में और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आगे भी, ठीक है। चलिए तो ऐसा करते हैं, उससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और दे दूं आपको कि इसके ग्राफ्स किस तरीके से बन सकते हैं, ठीक है बच्चों। जब आपके पास दो इक्वेशन होती हैं, तो उस इक्वेशन में तीन केस बन सकते हैं। क्या? पहला केस ये बन सकता है, पहला केस क्या बनेगा कि लाइंस जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। एक केस ये बन सकता है, कोई भी दो लाइन या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। या दूसरा केस ये बन सकता है कि एक लाइन और दूसरी लाइन इसके जस्ट ऊपर, एक लाइन है उसके ऊपर दूसरी लाइन है, ठीक है। तो ये एक केस ये बन सकता है। और तीसरा केस बन सकता है क्या कि एक लाइन ऐसे है और दूसरी लाइन इसके बाद मर पैरेलल लाइन्स है। याद रखना जैसे ट्रेन की पटरी, जब वो आपस में चल, मतलब ट्रेन की पटरी कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, इनफाइनाइट टाइम्स तक चलते रहेंगे तब भी कभी भी वो क्या करती है? इंटरसेक्ट नहीं करती। उसमें क्या खास बात होती है कि जो ये डिस्टेंस है हमेशा क्या रहेगा? इक्वल रहेगा बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखना। ये जो पैरेलल जो इनके बीच में डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो हमेशा इक्वल रहेगा। मान लो कोई बच्चा ऐसा कहता है कि ये जो है सर मैंने ये लाइन बना दी, ठीक है ये इंटरसेक्ट तो नहीं कर रही, नहीं कर रही, बट अगर आप इसको फर्दर आगे बनाओगे इस तरीके से तो ये आगे जाके क्या होंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। तो याद रखना जो पैरेलल लाइंस होती हैं वही क्या करती हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, बट बाकी जो लाइंस होती हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं। हो सकता है कि वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे या वो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे, ठीक है। और इसी चीज़ को देखने के लिए, इसी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में और इस वीडियो में कि किस तरीके से इनके ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आगे। तो बच्चों पहली इक्वेशन लेते हैं इसमें, जिसमें हम इसका ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे, और मैं आपको कम से कम तीन इक्वेशन बताऊंगा। तीन इक्वेशन यानी तीन, यानी पेयर ऑफ इक्वेशन जो हमें लेनी है वो तीन लेते हैं, तीन क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। उसमें हर तरीके का एक एक क्वेश्चन होगा, यानी जो हमने तीन केस मैंने आपको भी बताए थे उन्हीं तीनों को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपके, ठीक है। तो इसी के साथ पहली इक्वेशन शुरू करते हैं। पहली इक्वेशन है, पहला क्वेश्चन मान लेते हैं इसको एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर वन है। चलिए तो ये क्या है? x माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस फोर वाई इज इक्वल टू 20। अब इस इन दोनों इक्वेशंस के क्या करेंगे हम? ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे।
तो हमने क्या किया था, नाइन्थ क्लास में आपने इनके सॉल्यूशन निकालने सीखे थे, वो सॉल्यूशन आपको पूरे निकाल के नहीं शो करने। इस चैप्टर में आपको कहीं भी वो सॉल्यूशन निकाल के शो नहीं करने हैं आपको। आप टेबल बना लोगे, बात बन जाएगी। यानी अगर आप एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो के टेबल बना लो इसकी एक, उसी तरीके से 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 के लिए भी एक टेबल बना लो। ज़्यादा सॉल्यूशन यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप वो काम रफ में कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए। तो मिनिमम जो सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है किसी भी इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं उसका ग्राफ ड्रॉ करना होता है, उसके लिए मिनिमम आपको दो सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है। बट आप कोशिश करो कि तीन सॉल्यूशन निकालो। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि जब अगर मान लो आपने दो सॉल्यूशन निकाले और उन दो सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन गलत निकल गया, मान लो कैसे भी गलत हो गया, वो आपकी ये आपको नहीं पता होगा, पर आप क्या करो, आप तीन सॉल्यूशन निकालोगे तो कोई एक भी अगर गलत हुआ उसमें से तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बट मैं आपको यहाँ पर दो सॉल्यूशन लेके दिखा रहा हूँ, हमें क्योंकि ग्राफ बनाना है इसलिए मैं दो सॉल्यूशन लेता हूँ, ज़्यादा नहीं लूँगा। ठीक है बच्चों, चलिए। तो इसमें क्या करना है, हमने x की वैल्यू अगर 0 रख दी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चेक कर लो एक बार। देखो x इज इक्वल टू 2y, अगर मैंने इसकी वैल्यू 0 रख दी तो क्या हो जाएगा 2y, यानी y की वैल्यू भी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 0 रख ली। ठीक है, इसी के साथ हमने अगर x की वैल्यू मैंने 4 रख दी, मान लो ऐसे मैंने रख दी जो भी है, अगर x की वैल्यू मैंने 4 रख दी तो क्या होगा, 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड 4 इज इक्वल टू 2y, तो y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू होगी 2। तो ये चीज़ मैंने आपको दिखा दी है, पर एक्चुअल में आपको ये करना नहीं है, आपको सिर्फ सॉल्यूशन लिखने हैं 4, 2। ठीक है, इसके सॉल्यूशन हो गए। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर मैंने 0 रख दी, अगर x की वैल्यू मैंने 0 रखी है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पर और दूसरा देखो, अगर मैंने y की वैल्यू 0 रख दी, देखो चेक करना देख लो कि क्या होता है कई बार कि मुझे तो ये पता है या मैंने इतनी सारी प्रैक्टिस की हुई है कि मुझे पता है कि क्या सॉल्यूशन लूँ जिससे हमारा फ्रैक्शन में नंबर ना आए। ठीक है, बट आपने इतनी प्रैक्टिस नहीं की है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी ये समझ में आ जाएगा कि कब हमें सॉल्यूशन को 0, 0 पुट कर सकते हैं और कब हमें डिफरेंट लेने हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं पुट कर देता हूँ, वाई की वैल्यू अगर मैंने 0 रख दी तो x की वैल्यू आ जाएगी 20/3। अब इस पॉइंट को ना ग्राफ पे ड्रॉ करने में बड़ी दिक्कत होती है, तो क्या करें, एक और सॉल्यूशन ले लेते हैं, तीन सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर y की वैल्यू को मैं 2 पुट कर रहा हूँ और x की वैल्यू देखो, ये अगर मैंने 2 पुट कर दिया तो क्या होगा, ये 8 हो जाएगा, उधर जाके 12 हो जाएगा और 3 डिवाइड में जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हर बार 0 पुट करने से आपका एग्जैक्ट नेचुरल नंबर में आंसर नहीं आता, इसलिए क्या करो, आप जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज़ भी समझ में आ जाएगी। चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ वैसे ही बनाना है जो आपने 9th क्लास में बनाया उसी तरीके से बनाना है, बट ध्यान क्या रखना है, आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या, एक तो x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी जा रही है, 4, इसमें मैक्सिमम जा रही है 4, तो आपको पता चल गया कि x की वैल्यू को आपको 1, 2, 3, 4 इससे आगे लेके नहीं जाना, आपको लेके जाना है तो आप एक और बना सकते हो, बस इससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और y की वैल्यू देखो 2, 5 और 2, यानी y की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, 5 तक जाएगी, तो 1, 2, 3, 4, 5। ये 0 इधर भी, -1, -2 लिख दो, है नहीं हमारे पास माइनस के नंबर, बट आप एक दो नंबर लिख दोगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए तो अब ड्रॉ करते हैं इनका ग्राफ। ये क्या है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट होगा ये वाला आपका। ठीक है, और x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, तो ये आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, और इन दोनों को मिला दो। देखो हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन पूरी ना बने, ठीक है, आप कंपास वगैरह लेके बैठोगे, स्केल वगैरह लेके बैठोगे तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी इसको बनाने में। ठीक है, चलिए एक का ड्रॉ कर दिया, दूसरे के लिए भी करते हैं। तो देखो फ्रैक्शन वाली वैल्यू अगर आप नहीं भी रखो तो भी काम चल जाएगा आपका, आपको इन दोनों के लिए आप प्लॉट कर दो इसको। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, तो ये पॉइंट आएगा आपका, और x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, ये पॉइंट आ गया आपका। तो क्या करते हैं, इसका भी ग्राफ बना देते हैं,
और आप देखो मैंने क्या कहा था आपको कि एक इक्वेशन जो है वो ये वाला ग्राफ देखें किसका है, एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो, और दूसरा वाला ग्राफ किसका है, इसका है, ये क्या है 3x प्लस में 4y इक्वल टू 20। और मैंने क्या कहा था आपको कि कोई भी दो इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो तीन तरीके से बन सकता है, एक इंटरसेक्टिंग लाइन, एक कोइंसिडेंट लाइन और तीसरी पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ये हमारा एक केस था। ठीक है, दूसरा केस भी देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये हमारा एग्जाम्पल टू है एनसीईआरटी का। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है 2x plus 3y is equal to 9 और 4x plus में 6y is equal to 18 हमारे पास ये है। और ऐसा आपको मेन आपको ये ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन आपको निकालने हैं, हो सकता है सॉल्यूशन सेम भी आए अलग भी आएंगे। चलिए इन दोनों के भी हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं और इस बार आप मिनिमम तीन सॉल्यूशन तो निकाल लेना कि आपको दिक्कत ना हो, ना आपको ना हमें हो, इसलिए हम चार तीन सॉल्यूशन कम से कम निकालेंगे इसके। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी इस वाले क्वेश्चन में ही बोला कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जीरो यहां भी पुट किया है तो अगला भी जीरो पुट करने से आपकी वैल्यू आ जाए, जैसे यहां पर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि इसने पे सॉल्यूशन आएगा भी या नहीं। जैसे अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू जीरो पुट कर दूँ तो y की वैल्यू देखो, अगर ये जीरो हो जाए तो ये कितना हो जाएगा, थ्री वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है, सही है, वैल्यू सही आ गई। बट अगर मैंने यहाँ जीरो पुट कर दिया, y जीरो कर दिया, तो x की वैल्यू हो जाएगी 9/2, फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्या है, तो इसमें करते हैं हम, इसमें x y की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं और x की वैल्यू देखो कितनी आएगी, तो ये हो जाएगा 3 + 2x इज इक्वल टू 9, तो 2x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये आपके सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट इसमें भी बात करें तो x और y, x की वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चेक करो एक बार, इसको दर भेजो 3 आ गया। ऐसे ही अगर मैंने इसकी वैल्यू जीरो पुट करी तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4x इक्वल टू 18 और x इज इक्वल टू 9/2, ये भी आपकी 9/2 हो जाएगी। ठीक है, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, इसमें भी सॉल्यूशन आपका, अगर आपने इसकी वैल्यू 1 पुट करी तो इसकी वैल्यू देखो 1 यानी 6 इज इक्वल टू 18 प्लस 4x, तो कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 वैल्यू आ जाएगी, तो ये भी आपका 3। और आप कहोगे कि भाई ये तो सॉल्यूशन सेम हो गए, कोई बात नहीं सेम हो गए तो क्या हुआ, हमें क्या बनाना है, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है और उसमें जाके देखना है कि किस तरीके का सॉल्यूशन आता है। ठीक है, तो चलिए ग्राफ बना लेते हैं इसका। और उससे पहले देखो कि x की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, मैक्सिमम 9.4.9 तक जा रही है, तो हम उतना ही ग्राफ बनाएंगे, और y की वैल्यू 3 तक जा रही है तो उतना ही बड़ा बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -1, -2। ठीक है, चलिए ये कितना दे रखा है, x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू 3 है, यानी ये आपका एक पॉइंट हो गया। उसके आगे एक्स की वैल्यू 4.5, तो 4.5 मतलब ये पॉइंट आ गया। ठीक है, और ये वैल्यू 0, तो ये पॉइंट मिल गया आपको। और एक पॉइंट आपका है एक्स की वैल्यू 3, तो वाई की वैल्यू 1, तो एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 1, आपको ये पॉइंट मिल गया। ठीक है, और इसको मिला दो, ये आपका ग्राफ बन गया। ये किसका है, ये बना आपका 2x प्लस 3y प्लस इक्वल टू 9। और आप चेक करो तो आपका दूसरी जो इक्वेशन है उसका ग्राफ भी इसी के ऊपर आ गया। ठीक है, सेम सॉल्यूशन है, डिफरेंट नहीं है, तो इसका भी क्या हो जाएगा ग्राफ, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। तो इन दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ है वो एक दूसरे के ऊपर है, यानी कोइंसिडेंट हो गया, कोइंसिडेंस हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्यों, देखो इसमें इंटरसेक्ट कर रही थी लाइन, तो इस लाइन के लिए और इस लाइन के लिए एक ही सॉल्यूशन है ये, यानी ये पॉइंट जो है दोनों इक्वेशन के लिए वैलिड है, दोनों इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। तो जब दोनों इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन को ही हम क्या बोलते हैं, इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलते हैं। उसी तरीके से इस वाली इक्वेशन में भी, इन दोनों इक्वेशन में क्या है, कॉमन पॉइंट्स कितने हैं, देखो आप, ये भी इन दोनों का कॉमन पॉइंट है, ये भी इन दोनों का कॉमन पॉइंट है, ये भी इनका कॉमन पॉइंट हो गया, इस पे भी, ये भी कॉमन, ये सारे पॉइंट्स क्या है, कॉमन है। और ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे इन लाइन पे, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, इसलिए इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे।
ठीक है। अब एक इक्वेशन और है उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि कितने तरीके ग्राफ बनते हैं, जो मैंने बताए हैं आपको वही बन रहे हैं या अलग बन रहे हैं। ये हमारी थर्ड इक्वेशन है और थर्ड इक्वेशन को भी हम उसी तरीके से बनाएंगे, इनके सॉल्यूशन लिखेंगे और इनका ग्राफ बनाएंगे। और सॉल्यूशन लिखने के लिए आपको पूरे नहीं निकालने हैं, सिर्फ इनके वैल्यूज लिखनी है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना है। अब क्योंकि ये इस साइड है तो आप इसको उस साइड भेज के क्या करोगे, इसको इक्वल टू 4 हो जाएगा और इस इक्वेशन में हो जाएगा 2x प्लस 4y माइनस यानी इक्वल टू 12। बस थोड़ा सा ज़्यादा काम यही है, बस इसमें सॉल्यूशन निकालना, उसके बाद तो सारा काम आपका इजी है। चलिए, इसमें x की वैल्यू अगर आपने 0 पुट करी तो y की वैल्यू आपको 2 मिलेगी, और y की वैल्यू अगर 0 पुट कर दी तो x की वैल्यू आपकी 4 मिल जाएगी। तो आप चाहो तो इतने से भी बना सकते हो, अदरवाइज आप एक सॉल्यूशन और ले लो। क्या, इसमें y की वैल्यू अगर आपने 1 ले ली तो x की वैल्यू आपको 2 लेनी पड़ेगी। यहाँ पर बात करते हैं, x की वैल्यू अगर आपने 0 रख दी तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3, और अगर y की वैल्यू 0 रख दी तो x की वैल्यू मिलेगी आपको 6। और यहाँ पे एक सॉल्यूशन और लेते हैं, x की y की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू यानी 1 पुट कर रहा यानी ये हो गया आपका 12 प्लस 2x यानी कितना हो जाएगा 8, और 8 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 4। तो आपके ये सॉल्यूशन हो गए। चलिए, तो इसका ग्राफ भी बना लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ध्यान रखना कि कितनी जा रही है, क्योंकि फालतू में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना इस चीज़ पे कि ग्राफ आपको बहुत बड़ा ग्राफ बन जाए। बेटर है कि जितनी चीज़ें आपको चाहिए आप उतनी ही चीज़ों को इसमें ड्रॉ करो। अब x की वैल्यू 6 तक जा रही थी इसलिए मैंने 6 तक बना लिया, y की वैल्यू 3 तक जा रही है तो मैंने यहीं तक बना लिया, ज़्यादा बड़ा ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। चलिए, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इसमें क्या है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, एक सॉल्यूशन ये रहा। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, ये एक सॉल्यूशन, और लास्ट है x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। कर देते हैं इसको ड्रॉ। चलिए, ये ग्राफ आपका बन गया किसका, ये है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 का, और यहाँ पर ये वाला ग्राफ कौन सा है, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, और एक है x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1। तो ये आपका लास्ट सॉल्यूशन हो गया। अगर आप ध्यान दो तो ये सॉल्यूशन कुछ पैरेलल जा रहा है इस तरीके से, और मैंने आपको यही लास्ट बताया था आपको, ठीक है। तो ये मैंने ग्राफ आपका ड्रॉ कर दिया है। इस इक्वेशन का भी ग्राफ कैसे आ रहा है, पैरेलल लाइंस है। ये ग्राफ किसका है, 2x प्लस 4y माइनस 12 का, और ये कितना है, माइनस 4 इक्वल टू 0 का। तो इस तरीके से इस ग्राफ वाली इक्वेशन, यानी आपने 3.1 एक्सरसाइज में जो इंट्रोडक्शन में क्या हमने पढ़ा, हमने पढ़े कि तीन तरीके की इक्वेशन होती है, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तीन तरीके की होती हैं, जिसमें क्या होगा कि एक में, इस वाले पार्ट में एक इक्वेशन ऐसी होगी जिसमें इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी, ठीक है, एक इक्वेशन ऐसी होगी जिसमें क्या होगा, कोइंसिडेंस लाइन आएगी, एक के ऊपर एक लाइन, ठीक है, और एक पार्ट ऐसा होगा जिसमें क्या होगा, लाइंस पैरेलल आएंगी। इसके अलावा आपको कोई ज्यादा ग्राफ नहीं बनते, और ये तीन ही इक्वेशन है जिनके बारे में आप आगे भी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन में करोगे, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन है, और एनसीईआरटी की 3.1 एक्सरसाइज जो है उसमें भी आपको इसी तरीके के तीन क्वेश्चन मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।